हेलो दोस्तों, आज हम लेने वाले क्लास 12th वालों को बायोलॉजी में मॉडल पेपर में देखिए तीसरा लेसन बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन बस उसी को हम बता रहे हैं, बाकी फालतू चीजों को नहीं बता रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लाख क्वेश्चन तो आता नहीं, इसमें से सिर्फ सात क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है, बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को हम आपको बता रहे हैं। देखिए पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन आया काम, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैक्सोटॉमी कहते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, देखिए पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आ गया, लेकिन शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम बना दिया। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, तो देखिए महिला नसबंदी को, देखिए यहाँ से ये अलग है, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला में देखिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। देखिए हार्मोन है, ठीक है, जिसके हार्मोन पाने से महिलाओं में तरह तरह के क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे उनके वज का उभरना, उनमें क्या होती है, उनकी आवाज में परिवर्तन होना, तो ये इनके होता है। और ये पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पाने से उनके दाढ़ी मुछाना, उनके जैसे आवाज भारीपन होना, ये सब चीजें आती है। थोड़ा मेरा गला खराब है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा हमारी आवाज अच्छी नहीं आ रही, लेकिन वीडियो लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तबीयत थोड़ी मेरी खराब है, फिर भी बता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को वैसोटॉमी, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। देखिए पुरुष में शुक्राणु पाए, ध्यान दीजिएगा, पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं और महिला में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं। याद दीजिएगा, पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसको कभी क्वेश्चन आए, कभी महिला में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। महिला पुरुष दोनों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और देखिए ऑटो आगे बता रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों आगे बताते हैं, उलवेदन क्या है, उलवेदन क्या है, कौन बताएगा, बता सकता है। देखिए उलवेदन क्या, भ्रूण लिंग परीक्षण को, ध्यान सुनिएगा, भ्रूण लिंग परीक्षण को उलवेदन कहते हैं। सरोगेट माता किसे कहते हैं, ऐसी स्त्रियां जो माँ बनने से वंचित हो रहती हैं, ऐसी स्त्रियां जो माँ नहीं बन पाती हैं या माँ बनने से वंचित हो जाती हैं, उसे सरोगेट माता कहते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। परिवार नियोजन की अस्थायी और अस्थायी विधियां क्या है। ठीक है, देखिए यौन संचित रोग क्या, यौन संचित रोग जैसे एड्स है, हर्पीस है, देखिए समझ ना, बस इतना ही क्वेश्चन आप इस लेसन से पढ़िए, बहुत ही आपका पक्का 100% में फंस जाएगा, ज्यादा आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमको कमेंट में अभी बताइएगा, तुरंत हम इसको वीडियो बनाएगा, आपको तुरंत भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अगर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं है।